हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लॉफ्टेड बॉस बेस क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें स्केच ज्योमेट्री बनाना होगा जिसमें हम लॉफ्टेड बॉस बेस यूज करेंगे। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका कि डायमीटर 50 mm है। एंटर। एग्जिट स्केच कीजिए। दोस्तों, पिछली लेक्चर में हमने सीखा था कि डिस्टेंस पे प्लेन कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए प्लेन इंसर्ट करते हैं। प्लेन इंसर्ट करने के लिए फीचर्स पे क्लिक करें और रिफरेंस ज्योमेट्री के नीचे एक एरो है, इस पे क्लिक करें और प्लेन पे क्लिक करें। प्लेन इंसर्ट करने के लिए आपको रेफरेंस देना होगा, जैसे कि फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस और थर्ड रेफरेंस। रेफरेंस देने के लिए पार्ट के बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करें और फर्स्ट रेफरेंस के लिए टॉप प्लेन सेलेक्ट कीजिए। और हमें डायमेंशन पे प्लेन इंसर्ट करना है, तो डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और डायमेंशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट कीजिए। जैसे हमें 45 mm पे प्लेन इंसर्ट करना है। और नंबर ऑफ प्लेन में चार प्लेन, दो तीन चार। ओके, तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने प्लेन इंसर्ट कर लिया। अब हम एक एक करके हर प्लेन पे स्केच करेंगे और फिर लॉफ्टेड बॉस बेस यूज करेंगे। कोई भी प्लेन पे स्केच करने के लिए प्लेन को सेलेक्ट करें, जैसे हम प्लेन वन पे स्केच करेंगे तो इसे सेलेक्ट करेंगे और स्केच पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल व्यू। अब हम सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका कि डायमीटर 65 mm। एंटर। एग्जिट स्केच कीजिए। अब हम प्लेन टू पे स्केच करेंगे, तो प्लेन टू पे क्लिक करेंगे और स्केच नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका कि डायमीटर 85 mm। एंटर। एग्जिट स्केच कीजिए। अब हम प्लेन तीन पे स्केच करेंगे, तो प्लेन पे क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें और नॉर्मल व्यू। अब हम सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जिसका कि डायमीटर 105 mm। एंटर। एग्जिट स्केच कीजिए। अब हम फोर्थ प्लेन पे स्केच करेंगे, तो प्लेन पे क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें और नॉर्मल व्यू। अब हम सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जिसका कि डायमीटर 120 mm। एंटर। एग्जिट स्केच कीजिए। तो देखिए हमने एक एक करके सारे प्लेन पे स्केच कर लिया। अब हम इसमें लॉफ्टेड बॉस बेस यूज करेंगे। फीचर्स पे क्लिक करें और लॉफ्टेड बॉस बेस पे क्लिक करें। तो अब आपका लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड एक्टिव हो गया। प्रोफाइल्स वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच सेलेक्ट कीजिए। हाँ, स्केच आप या तो ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे से। तो हम ऊपर वाला पहले सेलेक्ट करेंगे।
तो इस पॉइंट पे क्लिक करें। अब दूसरा स्केच सेलेक्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी पॉइंट के सामने दूसरा स्केच पॉइंट होना चाहिए। तो हम इसका ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तीसरा स्केच, ये चौथा स्केच और ये पांचवा स्केच। इसमें जो ग्रीन पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट्स है, जो यह दर्शाता है हमारा ग्लास किस तरह का है। ओके कीजिए, तो यह देखिए हमारा ग्लास बन के तैयार हो गया लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड की मदद से। यह सॉलिड ग्लास है, अगर आप इसे थिन करना चाहते हैं तो इसमें थिन फीचर भी दिया गया है। लॉफ्ट वन पे राइट क्लिक करें और डिलीट करें। लॉफ्टेड बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए, प्रोफाइल, इसको ड्रैग कीजिए और इसे भी ड्रैग कीजिए और इसे भी ड्रैग कीजिए, इसे भी ड्रैग कीजिए। स्टार्ट और एंड कॉन्स्टेंट, गाइड कर्व्स, सेंटर लाइन पैरामीटर्स, स्केच टूल्स, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम थिन फीचर देखेंगे, तो थिन फीचर्स पे क्लिक करें। थिन फीचर में तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। पहले हम वन डायरेक्शन देखते हैं, इसका थिकनेस 2 mm, एंटर। तो यह देखिए यह थिन आउटसाइड हो रहा है, अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो यह इनसाइड होएगा। उसी तरह मिड प्लेन में इनसाइड और आउटसाइड इक्वल डायमेंशन में थिन होएगा, और टू डायरेक्शन T1 आउटसाइड के लिए है और T2 इनसाइड के लिए है। तो आउटसाइड आप कितना थिन चाहते हैं, जैसे हम 4 mm चाहते हैं आउटसाइड और इनसाइड 2 mm, एंटर। ओके कीजिए, तो यह देखिए हमारा थिन फीचर अप्लाइड हो गया और यह होलो ग्लास बनके तैयार हो गया। आप चाहें तो प्लेन को हाइड कर सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ 4, 3, 2, 1 और हाइट। तो देखिए यह हाइड हो गया प्लेन। आइसोमेट्रिक व्यू बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।